talk about jewelry, jewelry is connected to the tradition of India and everything that we know about our customs. Well, you're watching Khaas Mulaqat मेरे साथ श्रुति त्रिपाठी ओनली ऑन NBCN न्यूज़. और आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनका नाम नागपुरवासी बहुत अच्छे से जानते हैं. क्यों? क्योंकि कई आपने होर्डिंग्स देखी होंगी, कई बार रेडियो पे सुना होगा, कई बार न्यूज़ चैनल्स पे, हर जगह रोकड़े ज्वेलर्स का नाम आपने खुद सुना होगा. एंड आई हैव विद मी अ वेरी प्रेशियस पर्सनालिटी टुडे, राजेश रोकड़े जी. हाय सर. हाय, नमस्ते. हाउ आर यू? फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. तो सर, आप मुझे ये बताइए कि अब क्योंकि हम लोग बातचीत करने वाले हैं अबाउट रोकड़े ज्वेलर्स एंड व्हाट रोकड़े इज, व्हाट ज्वेलरी इज फॉर अस एवरीबॉडी, पर इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये आपका खानदानी बिजनेस है, इट इज़ अ 100-year-old हेरिटेज दैट यू ओन, राइट? पर ये इंटरनली जो इंटरेस्ट है, ये कहाँ से आया ज्वेलरी में आपका? देखिए, ये मैं कह सकता हूँ हमारे ब्लड में ही है. फोर्थ जनरेशन है हमारी और चार जनरेशन से इस व्यवसाय में हम लोग. तो बेसिकली हम लोग कारागिर थे, मतलब पहले हम लोग खुद ही ज्वेलरी बनाते थे. इस वजह से इस चीज़ को बहुत अंदर तक के हम समझते हैं, इसकी नस समझते हैं. और पिछले 15 सालों से हम लोग ने अपने आप को चेंज किया है. पहले जब हम लोग काम करते थे तो केवल ऑर्डर के हिसाब से ज्वेलरी बनाती, किताबों में बना देख देख के डिज़ाइन बनती थी. बट अभी दुनिया काफ़ी बहुत जल्दी चेंज हो गई है. और आप भी देख सकते हैं कि चेंज इतना आया है कि अभी लोग दिखता है सो बिकता है. बिल्कुल. इस वजह से जो रेडीमेड कल्चर आया है, और वो रेडीमेड कल्चर के वजह से हम लोग को भी अपने आप को आज शोरूम स्टाइल में आना पड़ा. और ग्राहकों की डिमांड थी ये. और जिस तरीके से परिवर्तन संसार का नियम है, उस नियम को अगर देखें तो हम अपने आप को अगर परिवर्तन करते हैं, अपने नए अपडेट अपग्रेड होते हैं, तो इसके फायदे अनेक हैं. उसी में से एक फायदा आज हमें एज अ फैमिली ज्वेलर्स एक कॉरपोरेट लेवल पे काम करने को मिल रहा है. ये हमारा सभी, मतलब हमारे सब वेल विशर, हमारे सभी ग्राहकों का आशीर्वाद है, उनका उन्हीं की शुभकामनाएं की वजह से इस मुकाम तक हम पहुंच सके. बिल्कुल. आई मस्ट से दैट इज़ अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जब हम सड़कों पर निकलते हैं, जब हम नागपुर शहर में कुछ खरीदने के लिए निकलते हैं या कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, तो अक्सर रोकड़े ज्वेलर्स की होर्डिंग्स हमें दिखती हैं. तो आई थिंक ये जो जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें प्लान की है ऑफ गिविंग लव टू द पीपल हु आर गिविंग लव टू यू, मतलब रिटर्न करना उसी प्यार को, आप लोगों ने अपने ही कस्टमर्स को अपना ही सुपर मॉडल बनाया. तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये कहाँ से आई और ये किस तरीके से आपने, मतलब आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब से मैंने होर्डिंग्स देखना शुरू की. एंड एट द टाइम व्हेन पीपल डिडंट हैव एनी होप, इट कुड बी अ लिटिल मटेरियलिस्टिक, बट मैं ये कहना चाहती हूँ यार, मटेरियलिस्टिक हो या कुछ भी हो, लेकिन आप अगर गलती से बाहर निकल पा रहे हैं व्हेन द होल वर्ल्ड वाज शट डाउन एंड वी गॉट टू गो आउट, देन वी गॉट टू सी डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट पीपल फ्रॉम आर ओन सिटी. तो ये जो आइडिया है कहाँ से शुरू हुआ, ये मैं जानना चाहूँगी. देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आविष्कार होता है तो ज़रूरत के हिसाब से उसकी ज़रूरत तैयार होती है, उसकी ज़रूरत होती है, तो हम उसके लिए सोचते हैं कि क्या करना चाहिए. जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा तब हमारे पास, हमारी ज़रूरत थी कि हमारे पास शूट नहीं था, कहीं जाके आउटसाइड जाके शूट नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाना हमारे लिए बंधनकारक था. तो एक ऐसी ये आउट ऑफ द बॉक्स, हम लोग घर पर फैमिली में बैठे थे, लंच ले रहे थे, लंच लेते लेते ऐसी फैमिली में बात कर रहे थे कि हमारे पास शूट नहीं है और अभी लॉकडाउन ख़त्म होते आ रहा है और अभी हमें होर्डिंग्स लगानी है. और ड्यू टू लॉकडाउन होर्डिंग्स के रेट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल थे, तो हम चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा होर्डिंग्स लगाई जाए. तो उस समय मैं ऐसी बातचीत कर रहे थे तो यही श्रीमती और हमारे घर में सब लोग आपस में जब चर्चा कर रहे, तो उनके दिमाग से ये निकला कि हम क्यों ना हमारे कस्टमर को ब्रांड एम्बेसडर बनाएं. और उस समय में दुकानें खुलने का समय भी सुबह 6 से लेकर तो 2 बजे तक के रहता था. तो हम लोग नॉर्मली 9 बजे से दुकान खोलते थे, 9 से 2, ऐसा 4 घंटे 5 घंटे का ऐसा समय रहता था. तो इस समय में हमको शूट भी करना होता था और हमारे दुकान को भी चलाना होता था. तो एक जस्ट आइडिया आया, हमने एक ट्रायल करके देखा और वो ट्रायल करने के बाद वो इतना पसंद आया सभी को. तो इस वजह से वो अभी हमारा 3rd सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है, हैप्पी कस्टमर. और मुझे लगता है कि ग्राहकों को भी बहुत भाया है ये, क्योंकि क्या होता है, किसी का एक सपना होता है, किसी का भी है कि भी एक स्टारडम होता है हर एक के दिल में,
कि मैं भी सुपर हीरो जैसा है, मैं भी एक मेरा होर्डिंग लगे। एक नॉर्मली एक देखिए, हम एक फोटोग्राफ भी बनाते तो हमारे घर के ड्राइंग हॉल में लगाते हैं, वो इसलिए लगाते कि लोग देखें। तो आप सोचिए, आपके एरिया में आपका अगर होर्डिंग कहीं लगा है एज अ मॉडल या एड अ हीरो हीरोइन जैसा किसी को फील कराना, तो ये अपने आप में एक नया कुछ तो भी था, कॉन्सेप्ट था, और इसका लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब प्यार दिया कि हमने इसे फुल मतलब करीब एट अ टाइम 150-200 होर्डिंग्स हम लोग ने लगाए हमारे ग्राहकों के, और ग्राहकों ने भी इसका बहुत मतलब मजा लिया, ये बोल सकते हैं एंजॉय किया उन्होंने इसका, उन्हें मान सम्मान मिला। मेरा एक किस्सा है ग्राहक का ही, हमारे एक ग्राहक थे, उनका एक एनिवर्सरी थी, फर्स्ट एनिवर्सरी पे हम लोग ने होर्डिंग लगाई थी। तो उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी मुझे लगता है कि उस समय में उन्होंने केक ले जाके होर्डिंग के नीचे रात में 12 बजे काटा था, उसका वीडियो उन्होंने मुझे भेजा था कि उनके लिए ये इतना प्राउड मोमेंट था कि केक जाके उस होर्डिंग के पास जाके उन्होंने केक काटना। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत कनेक्ट करती थी। फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें इसे बाद में सीजन 2 भी किया जाए, और अभी इस बार हम लोग सीजन 3 भी करने जा रहे हैं। तो हैप्पी कसम, देखिए कोई भी ब्रांड हो, उसके कितना भी बड़े ब्रांड एम्बेसडर आ जाए, वो ब्रांड एम्बेसडर उस चीज़ को उपयोग कम लाता है, बट हमारे रियल ब्रांड एम्बेसडर हमारे कस्टमर होते हैं। अगर वो उस चीज़ को वापरते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने टेस्ट की है, ये चीज़ अच्छी है, तो उसका इम्पैक्ट जो आता है वो बेहतरीन आया। और शायद यही कारण है कि इसके तीसरा सीजन अभी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। राइट, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोगों ने नस पकड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे काम हो गए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है थोड़ा सा स्टारडम अगर लाइफ में मिल जाए तो। मैक्सिमम आई फील दैट मैरिड पीपल वर द वन हु आर गेटिंग द होर्डिंग्स, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग जब शादी करते हैं तो वी फोकस अ लिटिल मोर ऑन द ज्वेलरी एंड बहुत सारी प्रथाएँ, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं देख रही थी अलग अलग होर्डिंग्स, वो चाहे कोराडी रोड हो, वो चाहे मानेवाड़ा हो, वो चाहे धर्मपेट, यू वर एवरीवेयर एंड आई थिंक दैट क्रिएटेड द न्यू सॉर्ट ऑफ फैसिनेशन फॉर पीपल, एंड आई फील वेरी प्राउड बिकॉज कमिंग फ्रॉम दिस ओन लाइक दिस सिटी नागपुर टू बी अ पार्ट ऑफ समबडी हु इज लाइक यू एंड अ ब्रांड लाइक दैट। क्योंकि हम कई बार जितनी भी ब्रांडिंग होती है, वी ऑलवेज एंड ऑलवेज सी दैट देयर्स अ सुपरस्टार और देयर्स अ हीरोइन कमिंग इन, सो आई थिंक दिस वाज अ ब्रिलियंट आइडिया। अब मुझे आपसे सर ये पूछना है कि इतवारी की गलियों से आज लक्ष्मी नगर तक का जो सफ़र है, ये बहुत लंबा सफ़र रहा होगा। 4 शोरूम्स आज हैं रोकड़े ज्वेलर्स के, एंड शुरुआत आपने कहाँ से की? देखिए, जर्नी तो इजी नहीं होती है, कोई भी अगर अचीवमेंट अगर अपने को अचीव करना है तो निश्चित तौर पे काफ़ी कठिनाई आती है, काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। इतना मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ऊंचाइयों पे अगर चढ़ना है तो आप जितना झुक के चढ़ोगे उतना आप ऊपर तक पहुँच पाओगे। और उसी की एक सोच, जब इतवारी में एक छोटी सी 200-250 स्क्वायर फीट की दुकान थी, उससे आज नागपुर का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर लक्ष्मीनगर में 12,000 स्क्वायर फीट तक के जो जर्नी है वो एकदम इजी तो नहीं थी, बट कहीं ना कहीं ये भी उतना ही सही है कि कोई चीज़ अगर आपने ठान ली, और मैं ये मानता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, अगर आपने सोच लिया कि ये मुझे करना है, तो कहते हैं ना वो शाहरुख का डायलॉग ये ना कि पूरी कायनात फिर वो आपको सक्सेस करने के लिए जुड़ जाती है। तो वैसा ही होते गया, हम लोग ने हमारी क्वालिटी, क्वान्टिटी, सर्विस, इस चीज़ की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान रखा, और ग्राहकों की नस हमने पकड़ी है, ग्राहकों को क्या चाहिए। और आज काफ़ी कॉरपोरेट वर्ल्ड भी इसमें इस व्यवसाय में जुड़ा है, और ग्राहकों को जो अपनापन जो एक फैमिली ज्वेलर्स में मिलता है वो कॉरपोरेट में नहीं मिलता है। तो हम जैसे फैमिली ज्वेलर्स एज अ ट्रेडिशनली ये बिजनेस करते आए हैं, तो हमें पता था कस्टमर के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो कॉरपोरेट और फैमिली बिजनेस को हमने कॉम्बो किया, और कॉम्बो करके आज नागपुर में 100% जो एक मतलब ये कह सकता हूँ कि हर वर्ग के ग्राहक हमारे साथ जुड़े हैं। और जर्नी में मैं ये कह सकता हूँ कि सोच थोड़ी सी बड़ी रखना बहुत ज़रूरी थी, और मतलब इसमें कई चीज़ें इसमें साथ में जुड़ती गई है। इसमें फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा महत्व का होता है, क्योंकि हम लोग कोई सपना अगर देखते हैं, जब घर के लोग उसमें सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि सफ़र काफ़ी इजी हो जाता है। True. मेरे ब्रदर सारंग रोकड़े, ही वॉज विथ मी, और जब उसने ज्वाइन किया, मेरे वाइफ ने ज्वाइन किया, और मम्मी पापा ऑलरेडी काफ़ी सपोर्टिव थे, तो एक प्रकार से ये फैमिली पूरी हम लोग की जो फैमिली थी उन्होंने इतना सपोर्ट किया
तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक और एक दो नहीं बने, एक और एक 11 हो गए. तो इस तरह के सबका सपोर्ट हुआ, इस वजह से ये मुकाम काफ़ी इजी लगने लग गया. कठिनाइयाँ तो हर इसमें आती है, और मुझे लगता है कि कठिनाई नहीं भी हो तो फिर अचीवमेंट कुछ हासिल किया जैसा लगेगा भी नहीं ना. नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है. नाउ द थिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. या एंड आई फील कि इंडिया में जितने भी प्रॉस्परस बिजनेसमैन हैं या बिजनेस फैमिलीज हैं, वो आई थिंक दे हैव ऑलवेज ग्रोन बिकॉज ऑफ देयर फैमिलीज. तो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन ऑल्सो. अब मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे कुछ सवाल मैं आपसे पूछूँ जो मुझे खुद को भी एक आइडिया चाहिए होगा, और मैं जानती हूँ कि जनता भी जानना चाहती होगी. जो रेट बढ़ता है गोल्ड का, उसे कैसे समझें, शॉपिंग कब करना चाहिए, और मतलब हाउ टू सर्वाइव अराउंड दैट, बिकॉज गोल्ड इज़ नॉट जस्ट अ लेजर फॉर इंडियन पीपल, इट इज़ गुरूर है ये हमारा, आई थिंक. जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि गोल्ड पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी करेंसी है जो मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो रुपीज़ 5 कंट्री से आगे नहीं चलती है, डॉलर्स 20-25 कंट्री से आगे नहीं चलती है, यूरो 10-20 कंट्री से आगे नहीं चलती है, बट गोल्ड एक ऐसी यूनिवर्सल करेंसी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है. तो कहीं ना कहीं भारत इंडिया एक अपने आप में पहले सोने की चिड़िया ही कहा जाता था, और मेरी तो यह मानना आज सोचना यह भी है कि आज भी सोने की चिड़िया ही है. आज करीब करीब 800 से 1000 टन एवरी ईयर गोल्ड इम्पोर्ट होता है इंडिया में, एवरी ईयर. यस, तो कहीं ना कहीं सोने की जो डिमांड है वो पहले भी थी, अभी भी, और आगे भी रहेगी, वो कभी कम नहीं होने वाली. और किसी भी चीज़ की कॉस्ट दिनों दिन बढ़नी है, कम नहीं होनी है, उसके दो तीन कारण होते हैं. पहली तो ऐसा है कि हर देश एज अ रिजर्व गोल्ड रखता है, नंबर वन. नंबर टू, हमारे कस्टम में ही गोल्ड है, वो कोई भी मजहब के हो, लेकिन हर मजहब में गोल्ड को एक इम्पोर्टेंस दिया गया है. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको जब पहली बार चम्मच से अगर चटाते हैं तो सोने और चांदी के चम्मच से चटाते हैं, और जब उसका आखिरी दिन होता है तब भी एक सोने का मनी डाल के उसको मतलब विदा किया जाता है. तो हमारे कस्टम में मतलब जीवन जन्म से लेके तो मृत्यु तक के हर जगह हर पड़ाव में कहीं ना कहीं गोल्ड को उपभोग में लाया गया है. तो इस वजह से गोल्ड ऑलवेज डिमांडिंग रहा है. नंबर तीन, हमारे जो ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशन में जैसे शादी है, शादी में एक प्रकार से ज्वेलरी एक इन्वेस्टमेंट भी सोचा जाता है और उसे पहना भी जाता है. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे इन्वेस्ट भी किया जाए और उसका फैशन के तौर पे उसको यूज़ भी किया जाए. तो ये दोनों चीज़ें अगर कहीं मिलती है तो वो गोल्ड में मिलती है. तो ऐसी कई चीज़ें, इस वजह से गोल्ड कभी भी मतलब लोगों का ऐसा रहा नहीं कि बाद में सोचेंगे, पहला इम्पोर्टेंस ऑलवेज लोगों ने गोल्ड को ही दिया है, और ये पिछले कई दशकों से दिया है. मतलब आप देखेंगे कि महाभारत और रामायण काल में तब भी सोने का अपना महत्व था, आज भी उतना ही महत्व है. यहाँ तक कि इजिप्ट और बाकी जो ममीज है, वो ममीज के ऊपर भी कपड़े कम और ज्वेलरी ज्यादा थी. तो ये हमारे कस्टम हमारे कल्चर में है. और रही बात रेट की, तो रेट तो दिनों दिन बढ़नी है, कम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. क्योंकि ये बनाया नहीं जा सकता, हर चीज को बनाया जा सकता है, बट नेचुरल प्रोडक्ट को बनाया नहीं जा सकता. ये धरती में जितना है उतना ही है. गोल्ड का सब्स्टिट्यूट मिल सकता है, गोल्ड नहीं मिल सकता. और गोल्ड का सब्स्टिट्यूट बोलो तो फिर सीधा नकली है, एक तो असली है तो नकली. तो लोग तो ऑलवेज असली के पीछे ही पसंद करेंगे, उसके अलावा कुछ दूसरा पसंद आना नहीं है कस्टमर को. इसलिए ग्राहकों का जो पसंद है पहले भी गोल्ड की तरफ बहुत ज्यादा था, अभी भी है और आगे भी रहेगा. और फोर्थ थिंग ये है कि पॉपुलेशन भी हमारी दिनों दिन बढ़ते जा रही पूरी वर्ल्ड की, तो डिमांड वो भी एक क्रिएट करता है. तो ये सब चीजें जब फैक्टर एक साथ जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली गोल्ड पे इम्पैक्ट करता है. और सबसे बड़ी बात अस्थिरता, जब कभी भी पूरे वर्ल्ड में कभी अस्थिरता होती है, जैसे अभी यूक्रेन का रशिया के साथ जो युद्ध चल रहा है, इस वजह से जब भी कुछ क्रंच आता है तो गोल्ड एक्सप्लो रेट बढ़ते हैं. इधर चाइना और ताइवान का चल रहा है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड जब कभी भी उथल पुथल होता है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट सीधा आके गोल्ड पे पड़ता है, और गोल्ड फिर ऊपर जाता है. और एक बार गोल्ड को तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो दो कदम आगे एक कदम पीछे, फिर दो कदम आगे एक कदम पीछे. तो मेरा यही एक सलाह रहेगा हमारे सभी ग्राहकों को, जब भी आपके पास पॉकेट में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करने जैसा फंड है तो आप रेट को मत देखिए, तुरंत इन्वेस्ट करिए, जिससे कि आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा. और शायद सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान
गोल्ड के, गोल्ड से अच्छा कुछ है ही नहीं, मैं ये कह सकता हूँ. ट्रूली सर. अब एक और बात है, जैसे अब मैं इलाहाबाद की हूँ, मैं प्रयागराज की हूँ, तो हमारे यहाँ पर गोल्ड इज प्योर गोल्ड. When my mother would like to buy something, उनका हमेशा ये रहेगा कि मुझे प्योर चाहिए, मुझे 24 कैरेट चाहिए, मुझे 22-23 अच्छा नहीं चाहिए. Exactly. Because जब आप उसे आगे अगर इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज एन इम्पोर्टेंस टू इट. तो क्योंकि आजकल हमारी जो जनरेशन है, वी वॉन्ट समथिंग जो दैट स्टिक्स, जो रहता है कुछ दिनों तक, क्योंकि गोल्ड बहुत लचीला होता है तो जल्दी टूट जाता है. तो ये आप आज के टाइम में कितना ज़्यादा मतलब इस तरीके का गोल्ड बेच रहे हैं वेर इन यंगर पॉपुलेशन इज़ वांटिंग कि नहीं भाई ये टिकना चाहिए, और जो दूसरी पुरानी पॉपुलेशन है वो चाहती है कि नहीं भाई हमें प्योर मिले. तो ये जो बीच में खेत चल रहा है कि नहीं भाई प्योर चाहिए, नहीं भाई कुछ ज़्यादा चले, तो ये थोड़ा आप इसको एलाबरेट कीजिए ताकि हम लोग सब इसे समझ सकें. देखिए, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन अगर कहीं है तो वो इंडिया में. इंडिया तो कहीं ना कहीं अभी ट्रेंड चेंज हो गया है. पहले लोग 24 कैरेट ही खरीदते थे, बट पहले लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते थे पहले. लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी डिजाइंस बिकती है गोल्ड की. पहले लोग सोना खरीदने आते थे, अभी डिजाइंस खरीदने आते हैं. अगर किसी कस्टमर को अगर डिजाइन पसंद आ गई और वो डिजाइन अगर 100 ग्राम की भी है या उनके पॉकेट से ऊपर का बजट है, देन ऑल्सो दे थोड़ा सा जुगाड़ कर लेते हैं, कुछ पुरानी ज्वेलरी घर से लेके आएंगे या कहीं से उनके पास और कहीं फंड रखा होगा, वो फंड इधर से उधर लेके आएंगे. लेकिन वो डिज़ाइन अगर पसंद है तो 100% वो बाय करते ही करते. और आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि 24 कैरेट की तरफ थोड़ा सा पसंद कम करते हैं वो, क्योंकि ज्वेलरी जो होती है 24 कैरेट में वेटेड बनती है और थोड़ा सा उनको जो टोन होता है वो येलो टोन पसंद नहीं आता है. उन्हें वाइट चाहिए, रोज गोल्ड चाहिए और रोडियम चाहिए. मतलब पहले होता था सोना मतलब पीला, अभी ऐसा नहीं है. सोना मतलब हॉलमार्क गोल्ड, डिजाइन कुछ भी हो सकती है. मतलब अभी तो ऐसा है कि व्हाइट गोल्ड बहुत ज्यादा चलन में है, प्लैटिनियम के साथ कॉम्बिनेशन रोज गोल्ड का ये ज्यादा पसंद किया जाता है. तो अभी पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है. मतलब मैं ये कह सकता हूँ पहले सोना बिकता था, अभी डिजाइन बिकती है. ये एक काफी बड़ा एक चेंज अभी आया है पूरे मार्केट में. ट्रूली सेड. वेल, गोल्ड और एनी सॉर्ट ऑफ मेटल विच इज कनेक्टेड टू बिकम एज अ ज्वेलरी, वो चाहे चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे प्लैटिनम हो, चाहे कुछ भी हो, हैज़ ऑलवेज बिन कनेक्टेड टू आर इंडियन ट्रेडिशन. क्यों? बहुत सारे कारण हैं. हमारे शास्त्रों से अगर जोड़ा जाए तो ज्योतिष विद्या में सोने का बहुत महत्व है. अगर आप नाक में छेद करके गोल्ड पहनते हैं तो आपका बुध जो है वो शांत होता है, आपका गुरु अच्छा रहता है. कानों में अगर आप गोल्ड पहनते हैं तो आपका केतु अच्छा रहता है. बहुत सारे इसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो मुझे लगता है कि लोग भूल चुके हैं. बिल्कुल लोग भूल चुके हैं. लोग बस फैशन के लिए पहन रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कि भाई हाँ इससे ये भी बेनिफिट हो सकता है. अब मैं अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगी तो देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ पीपल हु वुड बी लाइक नहीं यार ये सब कुछ नहीं होता है. बट आई बिलीव दैट बिकॉज यू कम फ्रॉम द बैकग्राउंड, फ्रॉम द एंसेस्ट्री ऑफ इट. आपका क्या मानना है? देखिए, मैं तो ये बिल्कुल 100% मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये दिव्य शक्ति तो है, भगवान तो है. कोई इसे भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई और कुछ करता है कहता है. बट मुझे आज भी याद है, एक कीर्तनकार है, उन्होंने बड़ी सरलता से ये समझाया था. नास्तिक और आस्तिक वाली बात मुझे आज भी याद है. उन्होंने एक आस्तिक टाइप का आदमी, नास्तिक टाइप का आदमी हो, आस्तिक टाइप के आदमी से बात करा, वो ये कह रहा था कि भगवान नहीं है. उस कीर्तनकार ने इसका बहुत ही ईजीली जवाब दिया था और वो मुझे बिल्कुल दिल में बैठ गया कि इंसान कितने भी तरक्की कर ले बट क्या ऐसी कोई चक्की बना सकता है जिसमें अनाज डालेगा और उसका खून बनेगा? वो केवल और केवल भगवान ने बनाया एक इंसानी जिस्म के माध्यम से कि हम लोग खाना खाते हैं तो एक अन्न खाते हैं और हमारी अन्न का खून बनता है. तो ये बनाने की जो तरकीब है वो किसी इंसानी कितना भी एडवांस साइंस चले जाए वो पॉसिबल नहीं है. इसलिए 100% मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति है. और रही बात एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ के, तो 100% एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसी की वजह से आप देखेंगे हमारे यहाँ पूरे मतलब हमारे महानायक अमिताभ बच्चन भी ब्लू स्टोन से लेके तो ओपेल पहनते हैं. तो आप अगर संजीव कुमार थे हमारे, वो गन मेटल पहनते थे. आज भी कितने तो भी हीरो है, हीरोइंस है, वो बड़े बड़े नग पहनते हैं. पुखराज है, नीलम है, मूंगा है, तो इस टाइप की जेम स्टोन है, आज भी चलन में है, प्रचलन में है, ड्यू टू
फैशन भी, और इसके साथ साथ कस्टमर को भी इसका एक प्रभाव उनको मिलता है। कई बार लड़कियों की शादी नहीं होती या लड़के की शादी नहीं होती है, इसलिए उन्हें पुखराज पहनाया जाता है या नीलम पहनाया जाता है, कोई शान दिमाग करना है तो उन्हें मोती पहनाया जाता है। तो इस टाइप का कहीं ना कहीं ग्रहों का तालमेल, और जो कहीं किसी का वीक होता है तो उसके साथ उनको जोड़ के निश्चित तौर पर हमने इसके फायदे देखे। और इसी वजह से रोकड़े ज्वेलर्स में हम लोग ने फ्री एस्ट्रोलॉजी हमारे इनहाउस दुकान पे रखी हुई है हमारे ऑफिस में। तो कस्टमर कभी भी आए, आपको किसी तरह का कोई पेमेंट देना नहीं होता है, उनमें कोई उसके एक्सपेंसेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। आप खुद कभी भी वॉकिंग करके आप अपनी पत्रिकाएं लेके आ सकते हैं, या आप अपना सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और नाम बता देंगे तो आपकी कुंडली बना के दे देंगे और बता देंगे कि आपको क्या क्या पहनना चाहिए। अगर जरूरत है तो वो बताएंगे, नहीं है तो वो भी बताएंगे। तो ये फ्री ऑफ सर्विस, फ्री कॉस्ट सर्विस हम लोग ने हमारे शोरूम में उपलब्ध कराई है। That is amazing. Now, sir, I don't see you wearing any rings. Why is that? वो भी मुझे बताया कि मुझे जरूरत नहीं है पहनने की, तो मुझे बताएंगे तो मेरे पास है इसकी सब, मेरे पास नीलम की अंगूठी है, मेरे पास पुखराज की अंगूठी है। हाँ, तो जो मुझे बोले पहनना है तो I will wear that. It is just on I was advice. Just playing with you. whatever the answer I am giving you that. Now there is this immense madness for diamond. ये जो डायमंड का मैडनेस है ये क्यों है? क्योंकि कई जगह अगर मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि डायमंड को एक्चुअली ओप्राइस शायद बता दिया गया है, उसका ट्रेंड इस तरीके से, उसको मार्केट इतने अच्छे से किया गया दैट पीपल आर क्रेजी अबाउट इट। एंड इफ यू टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी तो शुक्र के लिए डायमंड पहना जाता है। सो एंड ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो दैट दिस, लोगों को ये लगता है कि मोती एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, इस तरीके का स्टोन है जो आपको बर्बाद भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। और नीलम के बारे में ये जो आप कह रहे हैं, नीलम के बारे में ऐसा है कि इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू। सो आई बिलीव दैट व्हेन इट इज अबाउट ऑल्सो डायमंड हर कोई नहीं पहन सकता, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं पर्सनली ज्योतिष विद्या में बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ तो मैंने काफी पढ़ा हुआ है। आपका क्या मानना है कि यार ये डायमंड का जो क्रेज है ये क्या है? इज इट ओनली विद विमेन और इज इट ऑल्सो विद मैन? आर मैन ऑल्सो क्रेजी अबाउट डायमंड्स? 100% मैं ये कहूँगा कि मेन्स और वुमेन्स बोथ लाइक डायमंड, और डायमंड इसीलिए क्रेजी करता है क्योंकि कहते हैं ना डायमंड है हीरा है सदा के लिए। yeah. और हीरा एक ऐसी चीज़ है कि उसे बनने के लिए हजारों करोड़ों साल लगते हैं। कोई भी चीज़ अगर रेयर है, यूनिक है, तो उसके लिए थोड़े से मतलब मैडनेस तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर वो बढ़े नहीं तो फिर उस चीज़ का रेयरनेस और उस चीज़ का वैल्यू भी नहीं रहेगा। एकमात्र डायमंड ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें से कोई भी रेज अगर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है। आप कोई भी चीज़ को आप अगर मिरर जैसा होता है ना, मिरर से अगर रेज आ रही तो उल्टी जाएगी, वैसी डायमंड में उसके कट्स होते हैं और कट्स के हिसाब से ऊपर से डायमंड के रेस फ्लाई फायर ऊपर आता है। डायमंड अपने आप में उसको हजारों करोड़ों साल लगते हैं, वो भी साल तो लगते ही लगते हैं, साथों साथ उसका प्रेशर भी रहना चाहिए। मतलब ये दोनों तीनों चीज़ें जब एक साथ आती है तब जाके डायमंड क्रिएट होता है। और डायमंड एक बार आने के बाद, उसका कट होने के बाद, उसको जो पहनने के बाद उसकी मतलब ये कह सकता हूँ कि अगर महिलाएं पहन रही है उसको तो श्रृंगार 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार वो डायमंड का होता है। अगर जेंट्स पहन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका शुक्र उसे मजबूत करता है और वो स्टेटस सिंबल दिखाता है उनका कि हाउ रिच ही इज। तो और डायमंड के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये डायमंड पहनने से मुझे विपरीत कुछ प्रॉब्लम होगा। डायमंड कभी भी आपको विपरीत नहीं करेगा, आपको ऑलवेज सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। हाँ, नीलम के लिए जब आपने बोला तो नीलम एक स्टोन, ऐसा स्टोन है जो आपको अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। इसी वजह से नीलम कभी भी हम लोग बेचते हैं तो एज अ ट्रायल हम लोग एक महीने के लिए कस्टमर को देते हैं। हाँ, एक महीने कस्टमर ने रख लेने के बाद ही उसकी चीज़ फिर अंगूठी बना के देते हैं, अगर उन्हें वो फल गया, अच्छा हो गया, अदरवाइज वी टेक इट बैक। और डायमंड्स ठीक है, सॉलिटर्स या पॉइंटर्स डायमंड तो पसंद किए जाते हैं, बट आजकल गिफ्ट में भी डायमंड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि जो ट्रेंड अभी चेंज हुआ है, पहले डायमंड्स को उतना महत्व नहीं था बट अभी डायमंड्स को बहुत ज़्यादा महत्व आ गया। और स्पेशली रोकड़े ज्वेलर्स में हम लोग फॉरेवर मार्क ये डायमंड हम लोग रखते हैं, डिवाइन सॉलिटियस रखते हैं। ये दोनों डायमंड जो है, अगर 100 डायमंड निकलते हैं तो सिर्फ एक डायमंड को ही वह सर्टिफिकेशन होता है और वही डायमंड रोकड़े ज्वेलर्स में अवेलेबल है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ बेस्ट ऑफ बेस्ट वही डायमंड
अवेलेबल रोकड़े में मिलेंगे, अदरवाइज वी नेवर कीप इट। तो अगर, और ये केवल राइट्स ओनली ऑन ओनली रोकड़े ज्वेलर्स के पास ही है, और किसी ज्वेलर्स के पास भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ समथिंग वेरी न्यू एंड यूनिक डायमंड्स के बारे में। और ऑल डायमंड्स आर विथ सर्टिफिकेट, और किसी प्रकार का डायमंड में जब हमसे आप खरीदते हैं तो आप कभी भी हमें रिटर्न देंगे तो डायमंड्स में आपके कभी डी वैल्यू नहीं होगा, आपको उल्टा एप्रिसिएशन मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगा उसमें, क्योंकि डायमंड कभी खराब होता नहीं, उस पर क्रैचेस नहीं आते, ऑलवेज चमकते रहता है। तो कई चीज है, और स्पेशली सगाई के लिए डायमंड्स की रिंग्स काफी पसंद की जाती है, या कई बार वैलेंटाइन डेज पे पसंद की जाती है, एनिवर्सरी पे पसंद की जाती है, क्योंकि शादी में अगर रह गया तो एवरी ईयर एनिवर्सरी आती है, तो उस एनिवर्सरी पे लोग गिफ्टिंग के लिए डायमंड्स लेते हैं, बर्थडे के दिन डायमंड्स लेते हैं। तो ये जितने भी ओकेजन्स आते हैं उस ओकेजन पे डायमंड्स पसंद किए जाते हैं। मेरी जो सोच थी डायमंड्स को लेके वो तो चेंज हो चुकी है। अब आखिरी एक मैं सवाल आपसे हॉलमार्क के बारे में पूछना चाहती हूँ। हॉलमार्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, तो सर मैं चाहती हूँ कि आप इसे इलाबरेट करके खुद बताएं, क्योंकि अगर मैं किसी पॉइंट पे होंगी तो मुझे लगता है कि शायद मैं कहीं ना कहीं चूक जाऊंगी, बिकॉज द नॉलेज दैट यू हैव। राइट, मैं ये कह सकता हूँ हॉलमार्क इज अ जस्ट थर्ड पार्टी कंफर्मेशन फ्रॉम BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और देखिए, यह व्यवसाय तो वैसे ही भी पहले से ही काफी ट्रस्ट वाला, काफी विश्वास वाला व्यवसाय रहा है, और एकमात्र यही एक व्यवसाय ऐसा है जहां आपको हर चीज़ के अलग अलग विवरण दिए जाते हैं और पैसे दिए। और जब भी आप कभी इसको सर्टिफाइड करते हैं तो यही एक बिजनेस, ऐसा बिजनेस है जहां ग्राहकों को उसका वजन अलग से दिखाया जाता है, आपको ग्राहकों का इसका प्योरिटी अलग से बताई जाती है, ग्राहकों का इसका कैलकुलेशन बताया जाता है, कैरेट इसके चेक किया जा सकता है। तो हर तरह की पारदर्शिता इस व्यवसाय में पहले से रही है, और 2021 से भले ही ये मैंडेटरी हो गया है, बट 2000 से ही, मतलब करीब 22 साल पहले से ही हॉलमार्क हम लोग रखते हैं। और नाउ तो अभी तो ऐसा हो गया है पूरे इंडिया में 256 डिस्ट्रिक्ट जहां हॉलमार्क सेंटर्स है वहां मैंडेटरी कर दिया गया, हॉलमार्क सेंटर्स यहां अवेलेबल है, हॉलमार्क ज्वेलरी हम लोग पहले से रखते आए हैं। और मुझे लगता है कि ये एक सोने पे सुहागा ही है, कस्टमर को जो कभी डर रहता था कि मेरी ज्वेलरी कहीं 22 कैरेट बोल के कहीं 21 कैरेट तो नहीं है, इस वजह से ये एक थर्ड पार्टी कंफर्मेशन के साथ साथ ग्राहकों का विश्वास हम लोग ने और ज़्यादा स्थापित कर लिया है। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ इसके चेक करने के लिए कैरेटोमीटर्स भी है, आप चाहे तो हमारे यहाँ हमारी ज्वेलरी कैरेटोमीटर पे चेक भी की जा सकती है। तो एक तरह से पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हॉलमार्क आया है और हम सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। सवाल मेरी जनरेशन के लिए, अक्षय तृतीय अभी आ रहा है, तो अक्षय तृतीय के दिन इतना सोना क्यों खरीदा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और शायद ये क्वेश्चन का आंसर भी बहुत प्रकार से दिया जा सकता है। उसमें सबसे पहले तो ये 3.5 मुहूर्त में से एक बड़ा मुहूर्त है, नंबर वन। नंबर टू, भगवान श्री कृष्ण के मतलब अवतार परशुराम जी का उनका बर्थडे है। नंबर तीन, गंगा जी इसी दिन हमारे धरती पे आई थी। नंबर चार, ऐसे कई उदाहरण हैं इस दिन को शुभ बनाते हैं, क्योंकि इस दिन में ऐसी ऐसी घटनाएं भूतकाल में हुई है, क्योंकि यह सब घटनाओं की वजह से यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। और सबसे खास बात, इस दिन में किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं देखने की ज़रूरत। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा शादी अक्षय तृतीया के दिन होती है, मतलब कोई पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी पंडित के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यह पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ये मुहूर्त कौन सा अच्छा है। इस दिन आप शादी कर लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन आप अपने दुकान का ओपनिंग कर लो, आप कोई भी वास्तु कर लो, आप कोई भी पूजा कर लीजिए। ये अपने आप में ये मुहूर्त इतना अच्छा मुहूर्त है कि इस मुहूर्त का एक अपना ही महत्व है। और कहते हैं कि इस दिन जो भी आप धन खरीदते हैं या धन जमा करते हैं वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं यह उस दिन अगर आपने सोना चांदी या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको यह सुनहरा समृद्धि की तरफ लेके जाता है, ऐसी यह मान्यता है। और मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा यह चीज़ कि एक प्रकार से SIP है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जिन लोगों ने 4 साल पहले जब अक्षय तृतीया आई हो उन्होंने जब खरीदा था तब 32,000 का भाव था सोने का, बाद में 48,000 भी हो गया, अभी 52,000 हो गया, अगले अक्षय तृतीया में 60-65,000 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एवरी ईयर रेट्स एप्रिसिएशन होते रहते हैं। तो हम अगर इस अच्छे मुहूर्त पे अगर किसी तरीके से थोड़ा ना थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी खरीदारी करते हैं
तो सुख समृद्धि जरूर आपके घर में आएगी, और यह विशेष मुहूर्त आपके हाथ से कभी नहीं निकलेगा, और आपको भी यादगार ये जो पल अक्षय तृतीया का है वो यादगार पल आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मुझे लगता है कि इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण है अक्षय तृतीया की स्पेशलिटी, लेकिन इतना कारण मुझे लगता है कि बहुत है, काफी है, काफी है। बहुत सारी पॉजिटिविटी मुझे मिल गई, आई एम प्रीटी श्योर जो लोग इस शो को देख रहे हैं उन्हें भी मिल गई होगी। वेल आई एम कमिंग टू रोकड़े ज्वेलर्स टू बाय माय गोल्ड ऑन अक्षय तृतीया, एंड यू ऑल्सो मेक श्योर ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग अस हियर यू ऑल्सो गो एंड बाय सम गोल्ड, भले ही छोटा सा ही कुछ पीस हो, लेकिन आई थिंक हम इतना रिस्क तो ले सकते हैं। अच्छी चीज़ होगा, रिस्क काहे का, वो तो अच्छी बात है, रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं, मतलब खरीदना ही चाहिए। आज क्या हो गया ना सर कि एवरीबॉडी थिंक्स टू मच बिफोर डूइंग एनीथिंग, एंड व्हेन इट बिकम्स अबाउट योर ट्रेडिशन, तो मैं चाहती हूँ कि जो भाषा मेरी जनरेशन के या दूसरे जो लोग हैं वो समझ सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा मतलब क्लियर कर दूँ कि जब हम कुछ बुरा होने वाला है तो, समझ में आता है, इफ वी कैन टेक अ रिस्क देयर, सो इफ वी नो दैट देयर कुड बी समथिंग रियली गुड कमिंग इन बाय डूइंग समथिंग लाइक दैट, सो वी शुड डू दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।